नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की लगातार की जा रही है कार्रवाई। मऊरानीपुर में कच्ची शराब के खिलाफ सरकार का अभियान बदस्तूर चालू है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा के निर्देशन में थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब कबूतरा डेरा में छापेमारी कर हजारों लीटर लहन नष्ट कर भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण व कच्ची शराब बरामद कर दो व्यक्तियों एवं एक महिला पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। छापेमारी के दौरान डेरे के सभी पुरुष और महिलाएं मौके से फरार हो गईं। जानकारी के अनुसार कच्ची शराब बरामद अभियान के तहत ग्राम अतिपे टपरियन तिराहा कबूतरा डेरा में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई कर हजारों लीटर लहन शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा एक महिला समेत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। शैलेंद्र सिंह प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब की रोक के लिए चलाए जा रहे अभियान अतिपे टपरियन तिराहा कबूतरा डेरा पर छापामारी की। कबूतरों ने जमीन के अंदर कच्ची शराब छुपाए रखा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 300 लीटर कच्ची शराब सहित ब्रह्मानंद कबूतरा टीमर थाना बमोरी कला जिला डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। सुनील सैनी, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार, भूपेंद्र सिंह, रिंकल गौतम, कुमारी गौरी अग्रवाल, अंकित त्रिपाठी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।